Assalamu alaikum, this is Mubashir Ali from Alibaba Reviews. Today we are here with this Tecno Camon 16. Camon 16 जो है वो टेक्नो की कैमन 16 सीरीज का मिड का हम इसको वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो कैमन 16 SE पे बनाई थी, उसकी अनबॉक्सिंग थी, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे टेक्नो कैमन 16 की, और आफ्टर दैट द थर्ड वर्जन ऑफ कैमन 16 सीरीज इज द कैमन 16 प्रीमियर. तो कैमन 16 जो है ये हम कह सकते हैं कि टेक्नो की फ्लैगशिप डिवाइस भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ये टेक्नो की फर्स्ट टाइम मैं मतलब इस प्राइस रेंज में कोई फ़ोन लॉन्च किया है टेक्नो की तरफ से, जो कि 37,000 रुपीज़ का है, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे पास मैक्सिमम प्राइस रेंज जो टेक्नो की हमें देखने को मिली थी वो 28,000 to 30,000 थी, जो कि कैमन 15 प्रो था. तो कैमन 16 जो है स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी बहुत ही आला, बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें इसमें देखने को मिलेंगी, और जो प्राइस है वो 37,000 है, जो कि टेक्नो की तरफ से हम कह सकते हैं कि एक हाई एंड प्राइस भी हम कह सकते हैं कि, बट ये कि कैमन 16 जो प्रीमियर है वो 40,000 रुपीज़ का होगा. तो 37,000 रुपीज़ में हमें जो डिवाइस टेक्नो देखने को मतलब हमें यूज़ करने के लिए दे रहा है वो बहुत ही अच्छी डिवाइस है, स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी बड़ा अच्छा है. बट हम आगे चल के डिटेल में इसमें बात करेंगे कि हमारे पास इसमें क्या कुछ अवेलेबल है. सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस पर एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, वो ये कि आप कोई भी कैमन 16 या कैमन 16 प्रीमियर लेते हैं तो आपको वहाँ जहाँ से हम परचेस कर रहे हैं वहाँ से आपको टेक्नो की इस इन दोनों मॉडल्स की परचेस पे आपको टेक्नो के जो हाई पॉड्स हैं जो ये जो है आपको वर्थ ऑफ रुपीज 4,000 आपको बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे. मैक्सिमम बॉक्स पे आपको इस तरह का एक स्टिकर भी देखने का मिलेगा जिसके ऊपर के ये चीज मेंशन है कि आप कैमन 16 लेंगे तो आपको इसके साथ ये टेक्नो के जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री मिलेंगे. तो जो इनकी वैल्यू है वो 4,000 रुपीज है, बट ये है कि ये जो टाइम पीरियड इस पे कुछ इसमें मेंशन बिल्कुल किया हुआ है कि 3rd of November से लेके 30th of November, मतलब कि इस महीने में आप अगर कोई भी फोन कहीं से भी लेंगे तो आपको ये टेक्नो की तरफ से जो हाई पोर्ट्स हैं ये बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे. बॉक्स के बारे में बात करें तो कैमन इसको जो बॉक्स है वो काफी हैवी और काफी बड़ा बॉक्स इसको बनाया गया है. कुछ अच्छी इसकी जो हाईलाइट्स हैं वो स्पेसिफिकेशन जो है वो कुछ साइड पे दी गई हैं, और यहाँ पे हमें इसका वर्जन जो कि 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा रहा है उसका वर्जन हमें देखने को मिल जाता है. फ्रंट पे हमें टेक्नो के जो कैमन 16 है इसकी शेप देखने को मिल जाती है. सबसे पहले फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ अवेलेबल है. तो फ़ोन की जो ऊपर हमारे पास रैपिंग है जो प्लास्टिक है हम इसको रिमूव कर देते हैं. सबसे पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है इसमें सील भी इन्होंने लगाई हुई है, हमने सील को भी कट कर दिया है. सबसे पहले हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं. तो मैं जो फ़ोन की जो सबसे पहले देखने को मिलता है वो फ़ोन के एक बॉक्स के अंदर एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें कि टेक्नो का कैमन सीरीज़ का लोगो हमें देखने को मिल जाता है. उसके बाद हमें इस बॉक्स के अंदर जो है हमें टेक्नो कैमन 16 का जो है बैक पाउच हमें देखने को मिल जाता है. पाउच जो है वो सिलिकॉन पाउच है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमें देखने को मिल रहा है. उसके बाद इसकी वारंटी कार्ड्स की कुछ डिटेल्स मेंशन है वो हमें मिल जाती है. उसके बाद हमारे पास जो फ़ोन हमें देखने को मिल जाता है वो आ जाता है 48 megapixel इसका कैमरा मेंशन है. उसके बाद इसके फ्रंट कैमरा की डिटेल और कुछ हाईलाइट्स हमें इस पे देखने को मिल जाती हैं. इसकी जो रैपिंग है हम इसको रिमूव कर देते हैं, जो पैकिंग है इसको हम रिमूव कर देते हैं. जो फर्स्ट लुक है फ़ोन की वो बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं. जो कलर है हमारे पास वो सिल्वर है, मैं फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ जी, बिल्कुल ग्लेशियर सिल्वर इसकी कंप्लीट जो है डिटेल बॉक्स के ऊपर मेंशन है इस कलर की, ग्लेशियर सिल्वर कलर में हमारे पास मौजूद है. फ़ोन की जो लुक है वो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है. मैंने आपको बॉक्स ओपन करने से पहले ही बोला था कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा होगा इसकी, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है जो डिटेल्स हमने देखी हैं डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छी हैं. तो फ़ोन की जो फ्रंट लुक है वो भी आप देख सकते हैं, बट इसको हम पावर ऑन कर देते हैं. हमारे बैक पे जो है कैमरा के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिल रहा, इट्स मीन्स कि इसका जो फिंगरप्रिंट है वो हमें साइड माउंटेड मिल रहा है, जो कि कंपैरेटिवली बैक के जो फिंगरप्रिंट होता है उससे ये काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छी हमें जो है स्पीड प्रोवाइड करता है. तो फ़ोन को हम पावर ऑन कर देते हैं, जब तक ये पावर ऑन होता है हम इसको मज़ीद आगे इसकी एक्सेसरीज की तरफ चले जाते हैं. तो इसके हमें जो है इसकी USB केबल हमें मिल जाती है जो कि टाइप सी है, टाइप सी फ़ोन चार्जर ये है, टाइप सी सपोर्टेड है. उसके बाद हमें इसका अडाप्टर मिल जाता है, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड फ़ोन है. मैं आपको पहले बता दूं कितने फोल्ड पे ये चार्ज चल करता है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. उसके बाद हमारे पास इसकी एक हैंड फ्री आ जाती है ओरिजिनल, जो कि इसमें भी फ़ोन में भी टेक्नो आई थिंक मैंने देखा है कि टेक्नो के तकरीबन तमाम मॉडल्स के साथ, चाहे वो लो एंड के मॉडल हैं या हाई एंड के मॉडल हैं, उनके साथ हैंड फ्री स्टिल अभी तक दी जा रही है. तो सिम इंजेक्टर जो पिन है वो हमें ये जो इसकी चार्जिंग केबल है उसके ऊपर वाली साइड पे हमें इसमें अटैच्ड मिल जाती है. चार्जर इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये फास्ट चार्जर है ये, और ये टाइप सी सपोर्टेड है. तो
तो बॉक्स को हम साइड पे कर देते हैं, फोन को पावर ऑन हमने कर दिया है, जब तक ये स्टार्टअप होता है मैं आगे चल के आपको इसके बारे में मजीद बताता हूँ। तो फोन को हमने स्टार्टअप कर लिया है, फोन आप हमारे सब सामने देख सकते हैं, कैमरा पे बिल्कुल रेडी है। और सबसे पहले हम फोन की जो डिस्प्ले साइज है उसके बारे में बात करते हैं कि फोन का हमें जो डिस्प्ले साइज मिलता है वो 6.8 इंचेस का डुअल डॉट इन डिस्प्ले हमें मिलता है। डुअल डॉट इन क्योंकि इसमें डुअल हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और ये इस प्राइस रेंज में पहला फोन है जिसमें कि हमें डुअल डॉट इन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फोन जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रियली ऑसम फोन, बहुत ही अच्छा फोन, डिजाइनिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी और डेफिनेटली स्पेसिफिकेशन के लिहाज से भी फोन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी रैम और रोम के बारे में। तो हमारे पास इसमें जो रैम है वो 8GB है और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हमें 128GB की स्टोरेज हमें इसमें मिल जाती है और हम इसमें मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं जिसकी के जो लिमिट है वो 256GB तक है। 8GB 128GB के साथ 256GB का कार्ड भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कैमरा की तरफ अगर हम आएँ तो बैक कैमरा जो इसका मेन कैमरा है वो हमें यहाँ पे देखने को क्वाड कैमरा का सेटअप मिल रहा है। तो 48 मेगापिक्सल इसका हमें मैन कैमरा मिल रहा है, उसके बाद हमें 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और दी थर्ड वन इज द एआई लेंस, ठीक है जी। 48 मेगापिक्सल इसका मैन कैमरा है, ठीक है जी। उसके बाद हमें इसका 8 मेगापिक्सल और फिर 2 मेगापिक्सल का आई थिंक मैक्रो लेंस होगा और 8 मेगापिक्सल हमें डेप्थ सेंसर होगा डेफिनेटली और एआई लेंस हमें देखने को मिलता है। अगर फ्रंट कैमरा की तरफ हम आए तो हमें यहाँ पे डुअल कैमरा देखने को फ्रंट पे मिलता है और डुअल कैमरा जो है वो भी बहुत ही, इसमें जो रिजल्ट हमें दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का हमें इसमें डुअल पंच होल कैमरा दिया गया है 16 प्लस 8 मेगापिक्सल। तो जो कैमरा रिजल्ट होने वाला है रियली मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा। मैं इसको टेस्ट भी कर लेता हूँ, हम यहाँ पे फ़ोन को आप देख सकते हैं कि पिक्चर इसकी इससे कैप्चर कर लेते हैं और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। 48 मेगापिक्सल का जो है हमें कैमरा मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद में आगे इसके बारे में अगर मजीद बात करूं तो हमें इसकी जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले की वो 1080x2460 मिलती है। बैटरी के बारे में अगर बात करूं तो 4800mAh की हमें इसमें बैटरी मिलती है 4500mAh की और ये 33V पे फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, 33V की फास्ट चार्जिंग भी हमें इसमें मिल जाती है। अगर हम इसके प्रोसेसर की तरफ आए तो हमें इसमें देखने को ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर अगर चिपसेट 2.0GHz का आई थिंक प्रोसेसर है इसमें और अगर मैं इसके बात करूं इसकी चिपसेट की तो हीलियो G90T की इसमें चिपसेट यूज की गई है जो कि गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। G90 इससे पहले भी हालांकि टेक्नो ने तो किसी फोन में यूज नहीं की बट इस फोन में हमें G90 की चिपसेट देखने को मिल जाती है और जो गेमिंग खेल जो गेम यूज करते हैं जो गेम ज्यादा खेलते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। और डेफिनेटली जो फोटोग्राफी के शौकीन हैं जो लोग फोटोज बहुत ज़्यादा मतलब शौक से खींचते हैं या सेल्फीज लेते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होगा। मज़ीद इसके बारे में बात करूँ तो हमें जो फिंगरप्रिंट है मैंने आपको पहले बोला था कि हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है जिसका कि सेटअप भी मैंने कर दिया था, इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये मैंने लॉक किया हुआ है। इसके मैं आपको कन्फर्म टाइमिंग नहीं बता सकता कितने टाइम में फ़ोन ऑन होता है बट काफ़ी फास्ट है कंपेरेटिवली बैक साइड के फिंगरप्रिंट से, ये साइड माउंटेड बहुत ही फास्ट होता है बट ये डेफिनेटली टेक्नो के हाई एंड डिवाइस है तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेज है। तो मजीद इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसमें कैमरा रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया था काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें इसमें कैमरा भी दिया गया है। जो इसका सॉफ्टवेयर है वो एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है और जो इसका इनके अपना जो है HIOS बोलते हैं इसको उस पर 7.0 पे ये वर्क कर रहा है। कलर इसमें जो है करंटली जो है मुझे कंफर्म नहीं है कि और कोई कलर आएगा नहीं आएगा बट इसमें जो अवेलेबल है वो ग्लेशियर सिल्वर है जो कि बहुत ही खूबसूरत जो है कलर है, शाइनी कलर है, मतलब हाथ में पकड़ा हुआ काफ़ी अच्छा फ़ोन लग रहा है। ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है टेक्नो की तरफ से जो कि इस प्राइस 37,000 रुपीज़ में अवेलेबल है मार्केट में। इसका जो कैमन 16 प्रीमियर का है वो उसको भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसको अपलोड कर देंगे, उसकी भी अनबॉक्सिंग उसको भी वो भी काफ़ी हद तक खूबसूरत और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइनिंग जो कैमन 16 प्रीमियर की है वो भी यही है, हमें उसमें भी यही फ्रंट कैम पे डिज़ाइन मिल रहा है, बैक पे भी हमें इसी तरह का उसका भी स्टाइल मिल रहा है।
बट उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो मैं इंशाल्लाह वीडियो में आपको अपलोड करके बता दूंगा। 48 मेगापिक्सल कैमरा की थोड़ी डिटेल बता दूं कि 48 मेगापिक्सल इसका कैमरा है, और इसके अलावा आप इसमें जो है स्लो मोशन वीडियो का अक्सर पूछते हैं लोग कि इसमें स्लो मो कैमरा है या नहीं, डेफिनेटली एक स्लो मो कैमरा भी है, स्लो मो वीडियो भी आप इसमें शूट कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का स्लो मो काफ़ी अच्छा रिजल्ट और काफ़ी अच्छा जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अली मोबाइल रिव्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।